हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ और कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसी से आगे चलते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। लेट fx इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के। फाइंड रेंज ऑफ के फॉर विच fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। रिवर्स क्वेश्चन है, मतलब आपको गिवन है कि ये फंक्शन जो है x की हर वैल्यू पर कंटिन्यूअस है, पूरी नंबर लाइन पर मुझे एक फंक्शन कंटिन्यूअस चाहिए, देन व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ k, है ना। तो अगर इस फंक्शन को एवरीवेयर कंटिन्यूअस बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग जो पहला अटैक आपका होगा वो इस पर होगा, ये क्वांटिटी रेडिकल के अंदर आ रही है ना। तो कंटिन्यूअस होने के लिए कम से कम इतना तो इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है जो रेडिकल के अंदर है ये हर एक्स पर नॉन निगेटिव हो, मतलब ये पिक्चर डिफाइंड होनी चाहिए, है ना। तो नेसेसरी कंडीशन, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन ने निगेटिव वैल्यू ले ली, मैंने कोई भी एक्सपुट किया अगर से निगेटिव वैल्यू ले ली तो वहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, और जब डिफाइंड नहीं होगा तो कंटिन्यूटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो स्टार्टिंग लाइन, पहला अटैक, नेसेसरी कंडीशन, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, this quantity x square plus kx plus 1 should be greater than equal to 0 for all values of x belongs to R। ये quadratic expression always non-negative होना चाहिए, और कोई भी quadratic expression always non-negative, इसकी condition पढ़ी होगी आप लोगों ने। d कैसा होता है, less or equal to 0, है ना। तो d less or equal to 0 लगाती है discriminant b square minus 4ac। तो यहां से k पर range आ गई, k पर range क्या आएगी, minus 2 से 2, है ना। तो ये जो आंसर मैंने निकाला सिर्फ न्यूमरेटर को देख के निकाला, अभी डिनोमिनेटर की मैंने कोई बात नहीं की है। यानी अगर मैं k को माइनस टू से टू के बीच यहां पर पुट कर दूंगा तो इसको पुट करने के बाद आप x की कोई भी वैल्यू डालिए, ये एक्सप्रेशन हमेशा नॉन निगेटिव होगा, यानी रेडिकल साइन डिफाइंड हो जाएगा क्या। अब डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे यहां पर k को ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं देनी है जिससे नीचे वाले के फैक्टर हो जाए। अगर नीचे के फैक्टर हो जाएंगे तो वो दो पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं k को 1 लेता हूं तो ऐसे ही चेक करिए, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये दो पॉइंट पर 0 हो जाएगा, 1 पर भी 0 हो जाएगा और माइनस 1 पर भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब 1 और माइनस 1 इस फंक्शन की क्या बन जाएगी, डिसकंटिन्यूटी। जबकि बोला क्या गया था, k की ऐसी वैल्यू बताइए जिसके फंक्शन पूरी नंबर लाइन पर कंटिन्यूअस हो, एक भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट ना हो। आ रही बात बच्चों समझ में। अच्छा, अगर मैं k को 2 दे दूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो फिर से दो फैक्टर, x माइनस रूट 2, x प्लस रूट 2। कहने का मीनिंग है अगर मैं k को कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दूंगा तो डेफिनेटली इसके फैक्टर हो जाएंगे और डिसकंटिन्यूटी आ जाए। पॉजिटिव का अगर मैं k को 0 भी पुट कर दूंगा, k को 0 पुट करूंगा तो भी इसके इसमें एक डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, x इक्वल टू 0, है ना। लेकिन अगर मैं k को निगेटिव वैल्यू देता हूं, k को माइनस 1 डाल दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया तो ये कभी 0 हो ही नहीं सकता है, यानी उस केस में डिनोमिनेटर हर x पर नॉन जीरो रहेगा। आ रही बात समझ में। तो लिख देंगे ओनली अलाउड वैल्यू ऑफ k, ओनली अलाउड वैल्यू ऑफ k इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कौन कौन से k अलाउड होंगे, निगेटिव वाले अलाउड होंगे, है ना, माइनस 2 से ओपन 0। तो दिस इज एक्चुअली द फाइनल आंसर। ये वाले k वर्क करेंगे क्योंकि इस k को पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा और न्यूमरेटर हमेशा डिफाइंड है, है ना। अब इसी प्रॉब्लम का दूसरा वर्जन, अगर सपोज करो मैंने क्वेश्चन ये देख के एक डिफरेंट चीज पूछी होती, मैंने पूछा होता k की ऐसी वैल्यूज बताइए जिसके लिए ये एक फंक्शन जो है एग्जैक्टली दो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो, तो यहां पर दो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस बोला गया तो इसको हम लोग इसी तरह से डिफाइन करेंगे, स्टार्टिंग में रेंज तो यही निकालेंगे। लेकिन अब की बार हमें दो डिसकंटिन्यूटी चाहिए तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे 0 होना चाहिए। तो उस केस में के को क्या डालेंगे, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डाल दीजिए, 0 से 2 के बीच की कोई भी नंबर डाल दीजिए, इसके दो डिस्टिंक्ट फैक्टर हो जाएंगे और फैक्टर होगा तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर 0 हो जाएगा। तो उस केस में अगर बोला जाए दो डिसकंटिन्यूटी है तो उस केस में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0 से 2, 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 पर तो फिर एक ही डिसकंटिन्यूटी आएगी, 0 ना तो इधर आएगा ना 0, 0 सिर्फ एक ही केस में आएगा जब बोला जाए कि एग्जैक्टली एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इस प्रोफाइल के बहुत से क्वेश्चन देखते हैं, जो फंक्शन में बाहर से इंटीग्रल पार्ट लगा होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, है ना। इसके एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। एफ एक्स दिया हुआ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन विद इन दिस इंटरवल माइनस 2 से 2 में बताने हैं।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, एक क्वेश्चन को ग्राफ से समझते हैं। तो y इक्वल टू पहले x स्क्वायर का ग्राफ बना लिया, ये y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ है ना। अब ये देखिए कि अब ये तो मैंने x स्क्वायर का ग्राफ बना लिया, अब मुझे बाहर से इंटीग्रल पार्ट लगाना है। क्या करना है, बाहर से इंटीग्रल पार्ट, यानी अगर आप एफ एक्स का ग्राफ बनाना जानते हैं और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स का बनाना हो, बाहर से बॉक्स लगाना हो, तो इसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये मैं सिखाने जा रहा हूं आपको, बाहर से बॉक्स लगाने का मेथड। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो अंदर वाला फंक्शन है ये इस इंटरवल में कौन सी रेंज प्रोवाइड करेगा। अगर x माइनस टू से टू के बीच है तो उनका स्क्वायर जीरो से फोर मूव करेगा, जीरो से फोर। तो बाई एक्सिस में जो इंटीजर आएंगे वो मार्क कर लीजिए, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर, है ना। और जो इंटीजर्स वहां से सपोर्टिंग लाइन ड्रॉ कर दीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया, ये सपोर्टिंग लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, है ना। ये वन हाइट है, टू थ्री फोर। अच्छा वो कौन सा एक्स है जिसको पुट करें यहां पर हाइट वन आ जाए, ये कर्व है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियस बात है जब मैं एक्स को वन पुट करूंगा तो हाइट वन आ जाएगी, है ना। इसको नीचे प्रेजेंट कर दीजिए, है ना। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, किस एक्स के पुट करने पर हाइट टू आएगी, रूट टू पर आएगी, है ना। इसको नीचे ले आइए, ये क्या आ जाएगा, रूट थ्री आ जाएगा, रूट थ्री पुट करेंगे थ्री आ जाएगा। और इसको प्रेजेंट कर दीजिए, ये कितना गया, टू। सिमिलरली नीचे यहां भी जाएगी, माइनस वन आएगा, ये क्या आएगा, माइनस रूट टू आ जाएगा, ये आएगा माइनस रूट थ्री, और ये आ जाएगा माइनस टू, ठीक है। अभी तक मैंने इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ नहीं बनाया, अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, है ना। थोड़ा सा फोकस होकर देखिएगा, अगर मैं इन एक्स की बात करूं, राइट साइड में चल रहा हूं, अगर मैं जीरो से वन की बात करूं तो इन एक्स के लिए अंदर वाला फंक्शन कौन सी रेंज प्रोवाइड करता है, देखिए जीरो से वन। अगर मैं एक्स को जीरो से वन डालूंगा तो अंदर वाला फंक्शन कौन सी रेंज देगा, जीरो से वन। और जीरो से वन तक के हर नंबर का इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, है ना। तो एक स्टेप आ जाएगी ऐसा, और वन पे क्या आ जाएगा, एरो हेड, क्योंकि वन पर तो हाइट एग्जैक्ट वन आ रही है, यहां पर डॉट रहेगा। अब देखिए मैं इन एक्स की बात करूं, वन से रूट टू, अगर मैं ये वाले एक्स यहां पर पुट करूं तो वन से रूट टू डालेंगे तो उनका स्क्वायर वन से टू मूव करेगा, और वन से टू मूव करेगा तो इंटीग्रल पार्ट लेने के बाद हाइट कितनी देगा, वन। इंटीग्रल पार्ट लेने पर हाइट कितनी देगा, वन। तो डॉट यहां पर आ जाएगा और ये एरो हेड, ठीक है ना। अब अगर मैं रूट टू से रूट थ्री वाले एक्स यहां पर पुट करूं तो उनका स्क्वायर करने पर हाइट क्या आएगी, टू से थ्री, टू से थ्री आएगी तो इंटीग्रल पार्ट लेने पर हाइट कितनी मिल जाएगी, टू। तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे एरो हेड, ठीक है ना। रूट थ्री से टू की बात करेंगे तो हाइट थ्री आ जाएगी, और एग्जैक्ट टू की बात करेंगे, देखिए फोकस करिएगा क्योंकि एंड पॉइंट पे मिस्टेक हो सकती है, टू पे क्लोज इंटरवल लगा है, तो एग्जैक्ट टू पुट करेंगे तो हाइट फोर आएगी, फोर का इंटीग्रल पार्ट फोर होता है, डॉट आ जाएगा। तो ये ग्राफ आ रहा है, है ना। अच्छा जैसा राइट में ग्राफ आ रहा वैसे ही लेफ्ट में आएगा, तो क्योंकि इवन फंक्शन है तो वैसा ही ग्राफ पीछे बना दीजिए, ये ग्राफ आ रहा है एक्चुअली आपके पास, है ना। अब आपको काउंट करने डिस्कंटिन्यूटी कितनी है, तो आप लेफ्ट इंटरवल से चलना स्टार्ट कीजिए और जंप काउंट कीजिए। तो यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, एक जंप, पहला ही जंप मिल गया, है ना। फिर इधर से इधर आए, फिर दूसरा जंप, फिर इधर गए, तीसरा जंप, फिर इधर आए, चौथा जंप। रिपीट करते हैं, देखो पहला जंप दिख गया, इधर से आओ दूसरा जंप, इधर से आओ तीसरा जंप, इधर से चौथा जंप, चार जंप आ गए लेफ्ट में। अब चार लेफ्ट में तो चार राइट में भी होंगे, देख लो यहां से यहां तक बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, फिर एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल कितनी डिस्कंटिन्यूटी आ गई, एट, ठीक है ना। मूव करते हैं आगे, अब बात है वाई इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ बनाना जीरो से टू पाई में, तो बाहर से बॉक्स लगाना है, तो बाहर से बॉक्स लगाना, तो पहले कॉस एक्स का ग्राफ बना दो जीरो से टू पाई में, ये ग्राफ होता है कॉस एक्स का जीरो से टू पाई में, ये जीरो होता है, दिस इज पाई बाई टू, दिस इज पाई, थ्री पाई बाई टू, दिस इज टू पाई, सही है बच्चों। अच्छा कॉस एक्स की रेंज में तो दो ही इंटीजर, ये आ जाएगा, माइनस वन मिनिमम आ जाएगा, प्लस वन मैक्सिमम आ जाएगा, सही है क्या, ठीक है। अब मैं इंटीजर वाला कॉस एक्स का ग्राफ बनाने जा रहा हूं, अगर मैं एक्स को एग्जैक्ट जीरो डालता हूं तो कॉस जीरो इज वन, तो वन का इंटीजर पार्ट वन आएगा, यहां पर डॉट आएगा, ठीक है ना।
लेकिन अगर मैं जीरो से पाई बाई टू वाले नंबर लू तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में कॉस की हाइट जीरो से वन मूव करती है, जीरो से वन मूव करेगी तो इंटीग्रल पार्ट लेने पर हाइट क्या आ जाएगी, जीरो है ना। तो यहां पे डॉट आएगा और यहां पे एरो है, ये ग्राफ आएगा ठीक है ना, ये डॉट आएगा, ये ग्राफ आ गया ठीक है। यहां से एक सपोर्टिंग लाइन बना लेते हैं। अब देखिए अगर मैं इन एक्स की बात करूं, इसको नीचे प्रोजेक्ट कर दिया, इसको भी नीचे प्रोजेक्ट कर दिया। अब अगर मैं इन एक्स की बात करूं तो इन एक्स पर ये कॉस के ग्राफ की है, कॉस का ग्राफ एक्सिस से नीचे आ चुका है, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच की बात करें तो कॉस की वैल्यू निगेटिव हो चुकी है, निगेटिव है तो इंटीग्रल पार्ट लेने पर हाइट कितनी देगा, माइनस वन है ना। लेकिन पाई बाई टू पर हाइट एग्जैक्ट जीरो है इसलिए माइनस वन यहां पर नहीं आएगा, माइनस वन यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर एरो हेड रहेगा और माइनस वन बीच में आएगा, एंड पॉइंट पर थोड़ा सा लड़ रही है, जो यहां पर वैल्यू पाई बाई टू, पाई बाई टू एग्जैक्ट जीरो मिलेगा ठीक है ना। अब थ्री पाई बाई टू से टू पाई के बीच की बात करें तो कॉस का ग्राफ पॉजिटिव हो चुका है, जीरो से वन लाई करा तो इंटीग्रल पार्ट लेने पर फिर से जीरो, तो यहां पे डॉट यहां पे एरो है ठीक है ना। एंड पॉइंट पर मैंने क्लोज इंटरवल लगाया हुआ है तो टू पाई अगर पुट कर दें कॉस टू पाई इज वन तो यहां पर फिर से डॉट आ जाएगा। देख लीजिए ये ग्राफ, ये डॉट है फिर ये एरो हेड है फिर उसके बाद ये एरो है फिर ये डॉट, ये एरो है फिर ये डॉट है ना। अब काउंट कीजिए कितनी डिसकंटिन्यूटी, तो पहले तो डिसकंटिन्यूस कहां कहां पे, देखो एक तो जीरो पे डिसकंटिन्यूस जंप आ रहा है, एक दूसरा डिसकंटिन्यूटी कहां पर आ रही है, पाई बाई टू पर जंप आ रहा है, उसके तीसरी डिसकंटिन्यूटी कहां पर आ रही है, थ्री पाई बाई टू पे फिर से जंप देख रहा है, और चौथी डिसकंटिन्यूटी एंड पॉइंट पर टू पाई, यानी दोनों एंड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, जीरो पर भी जंप है टू पाई पे भी जंप है और दो बीच वाले पॉइंट है पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू, फाइनली इसमें कितनी डिसकंटिन्यूटी है, फोर। सही है बच्चों, आ रहा है ना समझ में। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें बताना है जीरो से टू पाई में कितनी डिस्कंटिन्यूटी है। तो इसको ऐसा कर सकते हैं रूट टू से, जैसे आपने इलेवेंथ क्लास में सीखा होगा साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन हो तो हम इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज, साइन में भी चेंज कर सकते हैं और कॉस में भी, क्या करते थे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो रूट टू से मैंने मल्टीप्लाई बाहर कर दिया और रूट टू से डिवाइड, वन बाई रूट टू साइन एक्स ये सब इलेवेंथ में सीखा होगा प्लस वन बाई रूट टू कॉस एक्स है ना। इसको बोल दीजिए कॉस पाई बाय फोर और इसको बोल दीजिए आप साइन पाई बाय फोर, तो एक फॉर्मूला अंदर डेवलप हो गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, क्या बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर, सही है ना। तो अब मेरे को इसका ग्राफ बनाना है रूट टू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर का इंटीग्रल पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट तो मैं बाद में लगाऊंगा, पहले अंदर वाला ग्राफ बना लेते हैं है ना। अच्छा अब एक ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा फंक्शन में, साइन एक्स का ग्राफ पता हो और साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर का ग्राफ बनाना हो तो क्या करते हैं, ये ग्राफ तो हम जानते हैं ये बनाना है तो इसी ग्राफ को पाई बाय फोर यूनिट पीछे शिफ्ट कर देंगे, क्या बोला मैंने इसी साइन एक्स के ग्राफ को पाई बाय फोर यूनिट पीछे शिफ्ट कर दो, क्यों क्योंकि साइन के ग्राफ में जो वैल्यू जीरो पे आएगी यहां पे जीरो पुट करेंगे तो जो वैल्यू आ रही वही वैल्यू यहां पर माइनस पाई बाय फोर पुट करने पर आएगी, देखिए जीरो डालोगे साइन जीरो या माइनस पाई बाय फोर पुट करोगे तो साइन जीरो आएगा, यानी साइन एक्स के ग्राफ को पाई बाय फोर यूनिट पीछे शिफ्ट करना है, तो बना लेते हैं ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है जीरो से टू पाई में, सही है क्या। अब ग्राफ को उठा के पाई बाय फोर यूनिट पीछे ले जाना है, ग्राफ को उठा के पाई बाय फोर यूनिट पीछे ले जाना है, तो ग्राफ को पीछे ले जाना इक्विवेलेंट है ग्राफ यही रहने दो और बाई एक्सिस नहीं बना दो, ये पाई बाय टू होता है ये अमाउंट कितना है पाई बाय टू तो पाई बाय फोर यहां कहीं पर होगा तो एक न्यू बाई एक्सिस बना दो यहां से है ना और इस लाइन को रब कर दो, तो जब इस लाइन को अपन रब कर देंगे अब जो ग्राफ बोर्ड में आपको दिख रहा है तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर ठीक है ना। ग्राफ को मैं पीछे शिफ्ट करते हो ये पार्ट भी रब कर दे रहा है क्योंकि हमें पीछे देखना ही नहीं है, है ना। तो ये पॉइंट क्या हो गया जीरो, ये क्या बन जाएगा पाई बाय फोर है ना, और ये जो पॉइंट आएगा ये क्या बनेगा पाई बाय टू, ये पॉइंट क्या बनेगा थ्री पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय फोर प्लस पाई ये बन जाएगा सेवन पाई बाय फोर और इससे थोड़ा सा आगे निकल जाएगा यहां पर दिस वन ये आ जाएगा टू पाई, सही है क्या। अच्छा साइन में मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है माइनस वन टू वन होता है, मतलब मैक्सिमम हाइट प्लस वन मिनिमम हाइट माइनस वन, लेकिन यहां पे रूट टू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर ये वन वैल्यू लेगा तो रूट टू से मल्टीप्लाई होके मैक्सिमम पॉइंट की हाइट कितनी हो जाएगी रूट टू, ये रूट टू आ जाएगा
ये हाइट वन होगी है ना, और ये मिनिमम हाइट कितनी हो जाएगी माइनस रूट टू। अब बीच में कहीं पर माइनस वन आया होगा, ठीक है ना। तो वही करते हैं, इंटीजर से हमने सपोर्टिंग लाइन ड्रॉ कर लिया है, ये लाइन ड्रॉ कर लिया है, एक माइनस टू से सपोर्टिंग लाइन ड्रॉ कर लिया। चलिए अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। देखिए अगर मैं जीरो से पाई बाई टू तक की बात करूं, जीरो से पाई बाई टू बीच में ग्राफ की हाइट देखो वन से रूट टू के बीच लाई कर रही है। ग्राफ कहां से कहां तक लाई कर रहा है, वन से रूट टू। तो इंटीग्रल पार्ट लेने पर हाइट क्या दे देगा, वन। इंटीग्रल पार्ट लेने पर वन, तो यहां भी डॉट और ये स्टेप आ जाएगी, ये वाली, ये ग्राफ आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं पाई बाई टू से थ्री पाई बाई फोर वाले पॉइंट देखूं, पाई बाई टू से थ्री पाई फोर के बीच में ग्राफ की हाइट देखो कहां से कहां तक जा रही है, जीरो से वन। कहां से कहां तक जा रही है, जीरो से वन। तो इंटीग्रल पार्ट लेने पर क्या दे देगा, जीरो। तो यहां डॉट आएगा, यहां पर एरो है, यहां पर एरो, यहां पर डॉट। क्यों एरो क्या आ रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर हाइट एग्जैक्ट वन है, तो इंटीग्रल पार्ट लेने पर भी वन आएगा, इसीलिए मैंने यहां पर डॉट लगाया और यहां पर क्या लगा दिया, एरो हेड, ठीक है। अब इस पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट कर दो, यहां से यहां देखो इन पॉइंट के लिए देखो, अब ये वाला ग्राफ एक्सेस के नीचे आ चुका है, एक्सेस के नीचे आ गया तो इंटीग्रल पार्ट लेने पर हाइट क्या देगा, माइनस वन। तो ये एरो हेड आ गया, ठीक है ना। इसको नीचे प्रोजेक्ट कर दो, यहां से भी इन एक्स की बात करो, इन एक्स के लिए साइन बदले ग्राफ की हाइट माइनस वन से भी कम आ गई, माइनस वन से माइनस टू के बीच में है, तो इंटीग्रल पार्ट लेने पर क्या दे देगा, माइनस टू। ये ग्राफ आएगा, सही है क्या। अगर मैं इन एक्स की बात करूं तो इन एक्स के लिए ग्राफ की हाइट क्या माइनस वन से जीरो लाई कर रही है, तो इंटीग्रल पार्ट लेने पर क्या दे देगा, माइनस वन, ठीक है ना। और अगर मैं इन एक्स की बात करूं तो इन एक्स के लिए ग्राफ की हाइट जीरो टू वन है, तो इंटीग्रल पार्ट लेने पर जीरो देगा, ठीक है ना। इंटरवल देखिए केवल इंटेंशनली मैंने ओपन दिया, तो अलर्ट रहना है, ओपन है तो एंड पॉइंट पर मुझे बात नहीं करनी है। चलिए यहां से जीरो से टू पाई तक ट्रेवल करते हैं, देखते हैं कितने जंप आ रहे हैं। यहां से चले एक जंप आया पाई बाई टू पर, पाई बाई टू पे डिस्कंटिन्यूटी मिली, और दूसरा जंप मिल रहा है थ्री पाई बाई फोर पर, है ना। फिर तीसरा जंप मिल रहा है, ये कौन सा पॉइंट होगा, एक और जंप आएगा, ये आ जाएगा थ्री पाई बाई फोर और प्लस पाई बाई फोर, कितना हो गया पाई पर आ जाएगा, है ये पाई पर आ जाएगा। वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई बाई फोर माइनस साइन पाई बाई फोर, एग्जैक्टली परफेक्ट बोल रहा हूं। और तीसरा इसके बाद जब यहां से इधर चलेंगे एक और जंप मिलेगा पाई, ये कितना होगा पाई प्लस पाई बाई टू, और एड कर देते हैं पाई बाई टू एड करेंगे तो थ्री पाई बाई टू, यहां पर तीसरा जा जाएगा, और ये चौथा आ जाएगा सेवन पाई बाई फोर, एक जंप यहां पर आएगा। वैसे तो डिसकंटिन्यूअस एंड पॉइंट पर भी ध्यान से देखिए टू पाई पर भी एक जंप आ रहा है, तो पॉइंट छोड़ते पहले जंप काउंट करते हैं, है ना, कंफ्यूजन ना हो। एक जंप यहां पर है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, है ना। और अगर एंड पॉइंट भी काउंट कर देते तो छह आएंगे, लेकिन एंड पॉइंट में मैंने क्या लगाया ओपन, तो अभी तो अपने पास कितने डिस्कंटिन्यूटी आ रही है, सही है ना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन क्लोज इंटरवल में होता, क्लोज इंटरवल में होता तो देखो जीरो पर तो कंटिन्यूअस होता, इस एंड पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि जो डॉट आ रहा है यहीं पर आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यहां पर एरो है डॉट ऊपर आना है, आ रही बात समझ में। तो अगर ये क्वेश्चन क्लोज इंटरवल में होता तो उसमें छह डिसकंटिन्यूटी होती, एक एक्स्ट्रा डिसकंटिन्यूटी ऊपर एड हो जाती, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉस एक्स इन जीरो से टू पाई। तो इसमें ऐसा करते हैं फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं जीरो से टू पाई में, तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का ग्राफ बना लो जीरो से टू पाई में। साइन का ये ग्राफ होता है जीरो पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू और टू पाई, जैसा ग्राफ और वाई इक्वल टू साइन एक्स, है ना। कॉस एक्स का बना लीजिए, कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है जीरो पाई बाई टू मिड पॉइंट पाई, दिस इज थ्री पाई बाई टू एंड दिस मैक्सिमम हाइट अकर्स एट x इक्वल्स टू 2 पाई, है ना। तो अब देखिए यहां पर दोनों पे इंडिविजुअल बॉक्स लगा, तो स्लोली स्लोली चल रहा है, अगर मैंने डिफाइन कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको एग्जैक्ट जीरो डालू साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन, वन का इंटीग्रल पार्ट वन, ठीक है ना, जीरो पर तो जीरो हाइट आ रही है, लेकिन जीरो से पाई बाई टू के बीच की बात करें, जब x जीरो से पाई बाई टू के बीच में है तो जीरो से पाई बाई टू में साइन की हाइट जीरो टू वन मूव करेगी, तो साइन का इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा जीरो, और कॉस की बात करें कॉस भी जीरो बन जाएगा, तो ये पूरे जीरो हो जाएगा, साइन भी जीरो कॉस भी जीरो। बहुत ही केयरफुली देखिए जीरो से वन है, ना तो जीरो है ना वन है, बीच में आ रहा है,
नेक्स्ट केस, अगर हम x को एग्जैक्ट पाई बाई टू ले लें, देखिए मैं इक्वालिटी पर केसेस अलग से बना रहा हूं, बहुत ही केयरफुल हूं। साइन पाई बाई टू वन होता है, बनता इंटीग्रल पार्ट वन आएगा, कॉस पाई बाई टू जीरो, तो ये फिर से बना गया, ठीक है ना। अब मैं चल रहा हूं पाई बाई टू से पाई, अगर x पाई बाई टू से पाई है तो पाई बाई टू से पाई में साइन जीरो टू वन होता है, तो साइन वाला इंटीग्रल पार्ट तो जीरो, लेकिन पाई बाई टू से पाई में देखिए, पाई बाई टू से पाई में कॉस की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, निगेटिव है तो इंटीग्रल पार्ट लेने पर क्या देगा, माइनस वन, सही है ना। अच्छा अगर मैं x को अलग से पाई बना लू, अगर मैं x को पाई लेता हूं तो साइन पाई जीरो हो जाएगा, कॉस पाई क्या बन जाएगा, माइनस वन, तो पाई पर भी माइनस वन आ रहा है। अगर मैं पाई से थ्री पाई बाई टू की बात करूं, पाई से थ्री पाई बाई टू, तो पाई से थ्री पाई बाई टू साइन भी निगेटिव हो गया, तो साइन का इंटीग्रल पार्ट माइनस वन आएगा, और कॉस निगेटिव चल ही रहा था तो कॉस भी माइनस वन देगा, माइनस वन मिला कर क्या होगा, माइनस टू। अगर मैं थ्री पाई बाई टू पर सेपरेट केस बनाऊ तो साइन थ्री बाई बाई टू क्या होता है, माइनस वन, इंटीग्रल पार्ट लेके माइनस वन दे देगा, लेकिन कॉस थ्री बाई टू जीरो होता है तो ये जीरो देगा, ये माइनस वन देगा, ये जीरो, तो यहां पर देखो वैल्यू चेंज हो गई थ्री बाई टू पर, है ना। और अगर थ्री पाई बाई टू से टू पाई की बात करें तो थ्री पाई बाई टू से टू पाई में साइन निगेटिव ही चल रहा है, तो साइन तो माइनस वन देगा, लेकिन कॉस पॉजिटिव हो गया जीरो टू वन, तो इसका इंटीग्रल पार्ट जीरो, तो थ्री पाई टू से टू पाई में फिर से माइनस वन आ गया। लेकिन अगर हम टू पाई पर सेपरेट केस बना लें तो साइन टू पाई जीरो, कॉस टू पाई इज वन, तो ये वन आ जाएगा, सही है क्या। अब अगर यहां से ग्राफ बना दिया जाए, एफ एक्स का देखिए, जीरो पर हाइट कितनी आ रही है, वन, जीरो पर हाइट वन आ रही है, जीरो से जीरो है, पाई बाई टू है, पाई है, थ्री पाई बाई टू है और टू पाई, जीरो से पाई बाई टू के बीच के हर पॉइंट पर हाइट जीरो आ रही है, तो एक एरो बना दिया मैंने, है ना, जीरो से पाई बाई टू हर पॉइंट पे जीरो, तो ये आएगा, यहां भी एरो हेड, यहां भी एरो हेड, क्योंकि पाई बाई टू पर हाइट एग्जैक्ट कितनी आ रही है, फिर से वन, तो एक डॉट ऊपर आएगा पाई बाई टू पर, पाई बाई टू से पाई के बीच के हर पॉइंट पर हाइट कितनी है, माइनस वन, है ना, और पाई पर ये हाइट मैंने अगर अचीव हो रही तो यहां तो डॉट आएगा, बहुत ही केयरफुल रहना है, यहां एरो हेड आएगा, ग्राफ में देखो जंप दिख रहा है, दिख रहा है, और पाई से थ्री पाई बाई टू में फिर से क्या आ रहा है, माइनस टू, माइनस टू मतलब ये होलो सर्कल आ गया, होलो सर्कल क्या वो बना दीजिए एरो हेड, और थ्री पाई बाई टू पर हाइट क्या है, माइनस वन, है ये दिख रहा है, थ्री पाई बाई टू पर अलग से लेकर तो हाइट माइनस वन, तो यहां पर डॉट आ गया, यहां पर डॉट आ गया, ठीक है ना, और थ्री पाई बाई टू से टू पाई के बीच हर पॉइंट पर हाइट माइनस वन आ रही है, एक स्टेप आ जाएगी, है ना, और टू पाई पर अलग से हाइट देखते हैं तो फिर से प्लस वन आ रही है, ये हाइट दे रखी है, तो अब आप देख लीजिए कितने जंप आ रहे हैं, एक है ना जीरो पर है, और ये तो पाई बाई टू है ही है, पाई बाई टू पर ऊपर आ रहा है, पाई दूसरी जंप पाई बाई टू पर है, तीसरी पाई पर है, चौथी थ्री पाई बाई टू पर है, पांचवी टू पाई पर, यानी कहां कहां पे डिस्कंटिन्यूअस है, डिस्कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू जीरो पर दिख रहा है, पाई बाई टू पर भी दिख रहा है, पाई पर भी दिख रहा है, थ्री पाई बाई टू पर भी दिख रहा है, और एक टू पाई पर भी दिख रहा है, तो देयर आर फाइव पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है ना। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉस पाई एक्स इफ एक्स लेस ऑर इक्वल टू वन मॉड ऑफ टू एक्स माइनस थ्री इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस टू इफ एक्स ग्रेटर देन वन, डिस्कस द कंटिन्यूटी of fx in closed interval 0 से 2 में डिस्कस करना है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यार, इसको डिफाइन करना है,
जीरो से टू में, यानी जीरो से वन में ये डेफिनेशन एप्लीकेबल है। अच्छा, अगर x जीरो से वन मूव कर रहा तो cos का एंगल कहां से कहां मूव करेगा, ये वाला जीरो से पाई। तो यहां पर सोच समझ के केस बनाना है, जीरो से पाई में जब cos का ग्राफ ऐसा आता है, ये जीरो होगा, ये पाई बाई टू होगा, ये पाई है ना। तो चलिए डिफाइन करते हैं। मैंने सबसे पहला केस बना, बहुत ही केयरफुल होकर चल रहा हूँ, जीरो एंड पॉइंट है, क्लोज इंटरवल। अगर मैं इसको एग्जैक्ट जीरो डालता हूँ, cos जीरो इज वन और इंटीग्रल पार्ट वन कवर नहीं आएगा। नेक्स्ट केस, अब मैं यहां पर एंगल पाई x है, तो x पर मैंने केस बनाया, अगर x जीरो से हाफ होता है, अगर x जीरो से हाफ है तो जो एंगल है ये कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से पाई बाई टू, और जीरो से पाई टू कॉस का ग्राफ पी आता है, यानी जो रेंज आती है, जो वैल्यूज आती है वो जीरो से बन के नीचे आती है। तो जब वैल्यू जीरो से बन है तो इंटीग्रल पार्ट लेने पर क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है ना। अब अगर x एग्जैक्ट हाफ है, x अगर एग्जैक्ट हाफ ले लेंगे तो cos पाई बन जाएगा, cos पाई होता है माइनस वन, है ना, सॉरी अगर x एग्जैक्ट हाफ ले लेंगे तो cos पाई बाई टू बन जाएगा, और cos पाई बाई टू क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका सेपरेट केस मत बनाओ, यहीं पे इक्वालिटी लगा देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट केस ले लिया, अगर x हाफ से वन के बीच में, अगर x हाफ से वन के बीच में तो ये पाई बाई टू से पाई जाएगा, इक्वालिटी यहां लगा दीजिए, तो हाफ से वन होगा तो ये पाई बाई टू से पाई जाएगा, पाई बाई टू से पाई में कॉस की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, निगेटिव है तो इंटीग्रल पार्ट लेने पे क्या दे देगा, माइनस वन, सही है क्या। अब देख वन से आगे ये डेफिनेशन है, मॉड ऑफ टू एक्स माइनस थ्री इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस टू। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस टू को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, बॉक्स ऑफ एक्स टू हर निकाल दो, ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, इसका क्रिटिकल पॉइंट देखना मॉड का, थ्री बाई टू है ना। तो अब वन से टू में ये डेफिनेशन लगेगी, तो वन से टू में एक बीच में गैप आएगा थ्री बाई टू पर। तो एक केस बनाया, अगर x 1 से 3 बाई टू के बीच मूव कर रहा है, यानी क्रिटिकल पॉइंट के पीछे है, क्रिटिकल पॉइंट के पीछे है, तो मॉड किससे ओपन होगा, नेगेटिव साइन से, है ना, एक माइनस आ जाएगा वहां। और 1 से 3 बाई टू के बीच का इंटीग्रल पार्ट क्या बनेगा, 1, और 1 माइनस टू क्या बनेगा, माइनस वन। तो माइनस वन यहां भी आएगा, माइनस यहां भी आएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 2x माइनस 3, सही है क्या। नेक्स्ट केस, अगर x 3 बाई टू से 2 है, 3 बाई टू से क्रिटिकल पॉइंट के राइट में है, तो ये मॉड पॉजिटिव साइन से खुल जाएगा, लेकिन 3 बाई टू से 2 का इंटीग्रल पार्ट 1 आएगा, 1 माइनस 2 क्या दे देगा, माइनस 1। तो माइनस से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 माइनस 2x, मतलब नेगेटिव प्रूफ की लाइन आ जाएगी, है ना। 2 पर देखिए क्लोज इंटरवल है, तो 2 पर सेपरेट केस बना लेते हैं। इफ x इक्वल्स टू 2, अगर x 2 होगा तो x को जीरो पुट कर 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0, सही है क्या। तो मैंने फंक्शन की इक्विवेलेंट डेफिनेशन निकाल ली है, अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, देखिएगा जीरो पर हाइट वन आ रही है, जीरो पर हाइट कितनी है, वन, जीरो है, हाफ वन, थ्री बाई टू, टू, जीरो से हाफ के बीच हर पॉइंट पर हाइट जीरो है, और ये जीरो हाइट हाफ पर अचीव हो रही है, तो हाफ पर तो डॉट आ जाएगा, और यहां पर एरो है, क्लियर करना, ठीक है ना। अच्छा, हाफ से वन के बीच के हर पॉइंट पर हाइट माइनस वन है, तो और यहां पे इक्वालिटी नहीं है, तो यहां पर तो एरो हेड आएगा और यहां डॉट है ना, इसको ऊपर लिख देते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, जंप आ रहा है ग्राफ में। अच्छा, वन से थ्री बाई टू के बीच में हाइट दे रहेगी टू एक्स माइनस थ्री, तो जब मैं एक्स को वन डालूंगा तो वन पर हाइट वन आएगी, और ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, थ्री बाई टू पुट करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा। एक लाइन का अगर आप बनाने के दो पॉइंट सफिशियंट होते हैं तो एक बार स्टार्टिंग पॉइंट डाल दो, एक्स को वन डाल दो, तो वन पर हाइट क्या आएगी, माइनस वन, यानी लाइन यहां से स्टार्ट होगी। एक बार थ्री बाई टू पुट कर दो, जीरो आ जाएगा, तो ये लाइन आ जाएगी, पॉजिटिव स्लोप इंक्रीज करेगी, ये आ गया है ना। थ्री बाई टू से टू में थ्री माइनस टू एक्स है, तो एक बार थ्री आपकी निगेटिव स्लोप आ गया, डिक्रीज करेगी, थ्री बाई टू पुट करो जीरो आएगा, टू पुट करोगे माइनस वन, तो समथिंग लाइक दैट यहां पे आ गया, और ये यहां पर क्या आएगा, एरो हेड, ठीक है ना, क्योंकि टू पर हाइट एग्जैक्ट जीरो आ रही, टू पर डॉट आ जाएगा, और इंटरवल मैंने क्लोज दिया हुआ है। तो एंड पॉइंट को ध्यान से देखो, कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस, एक तो देखो जीरो पर जंप दिख रहा है ग्राफ, एक वन बाई टू पर है, यहां तक स्मूथ, ये भी स्मूथ, ये भी ओके, एक एंड पर, तो डिसकंटिन्यूअस है, एक तो जीरो पर है, एक हाफ पर है, और दूसरा टू पर है, ओवरऑल थ्री पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो यहीं तक लेक्चर रखते हैं, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।